हेलो फ्रेंड्स, मैं कामना और कामना की रसोई में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी, लेकिन ये कुछ अलग है, हटकर है, एकदम न्यू फ्लेवर की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो यहाँ पर आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उसमें से ही थोड़ा सा दूध मैं अलग से निकाल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने दूध अलग से निकाल लिया, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे खोया। ये खोए को मैंने क्रश कर रखा था, यहाँ 3 चम्मच मैंने खोया ऐड करके इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे दूध में। और ये देखिए, इसमें गुठलियाँ ना रहें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म में ठंडाई आती है ना, हाँ जी, यही एक नया फ्लेवर सीक्रेट था जो मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में ही। बस ये ठंडाई हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये पाउडर फॉर्म की ठंडाई है, इसे मिक्स करके रखेंगे, और इसी के फ्लेवर की आज हम आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत लाजवाब और टेस्टी बनेगी, डिफरेंट बनेगी, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब ये देखिए, दूध हमारा बॉयल हो गया है, ये अच्छे से गाढ़ी फॉर्म में आने लगा है, और अभी इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी अभी यहाँ पर ये चीनी, मीठे के लिए चीनी यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी लिए। आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। और यहाँ पर जो हमने घोल बनाकर रखा हुआ था दूध का, इसे भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए डाल देंगे। और अब इसे चलाते हुए हमें पकाना है अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक, और ये बहुत न्यू फ्लेवर की आइसक्रीम बनेगी। और ये देखिए, अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा दानेदार टेक्सचर में भी आ गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे इतना हमें पकाना है, अच्छे से गाढ़ा करना, और एकदम इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, इसे इस स्टेज पे हम गैस को, फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसे ठंडा होने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे, इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे इस मिश्रण को। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है मैंने, और उसमें मैं इसे ऐड कर रही हूँ। सारा फिल कर देंगे हम मिक्सी के जार में अच्छी तरह से इसे समेटते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी एक और इंग्रेडिएंट्स इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए। यहाँ पे लिए मैंने दूध की मलाई, और 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने इसमें दूध की मलाई ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा, और खाने में टेस्ट भी आएगा इस आइसक्रीम को। एक बार चलाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिट्टी का बर्तन, और उस मिट्टी के बर्तन में इसे जमाने के लिए मैं रखूँगी। मिट्टी के बर्तन की बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है खाने में। तो यहाँ पे लिया है मैंने आम का पल्प, और इसे गैप देते हुए बीच बीच में आम के पल्प को भी ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा सा आम का ये टच देने से बहुत अच्छी सी लुक भी आएगी, और टेस्ट भी आएगा ठंडाई के फ्लेवर और आम के टच के साथ। ये न्यू फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार होगी, और इसे मैं कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रखूँगी जमाने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम ओवरनाइट जमने के बाद, इसकी लुक देख लीजिए, कितनी खूबसूरत सी हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। और मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आम के टच के साथ ठंडाई के फ्लेवर की, खोए के फ्लेवर की ये न्यू आइसक्रीम बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनी है। इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हुए हम सर्व करेंगे, खुद भी खाएंगे औरों को भी खिलाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनी हुई ये आइसक्रीम, खाने में जितनी देखने में खूबसूरत है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं। तो थैंक यू।